सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि 2018-19 का है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको हम लोग इस वीडियो में आज कवर करेंगे। हम लोग 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें जो सेक्शन ए होता है उसमें 10 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हमें बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में एक शॉर्ट नोट बताना है। द डिकोलाइज इलेक्ट्रॉन व्हेन सो मूवमेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर प्रिपेयर दिस स्ट्रक्चर आर कॉज एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमारा जो बेंजीन होता है उसमें जो हमारे डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बेंजीन होता है वो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। उसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे सकते हो, जो हमारे पाई बॉन्ड्स होते हैं उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे बेंजीन में मूव करते रहते हैं, जिससे हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बेंजीन का प्रिपेयर होता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ साइक्रीन। हमें साइक्रीन का स्ट्रक्चर बताना है और साइक्रीन को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो साइक्रीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एक बेंजीन है, उसके बाद उससे अटैच एक कार्बन, उससे डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन, देन NH, फिर उससे SO2 ग्रुप अटैच हुआ है। ये साइक्रीन का कुछ स्ट्रक्चर है। वहीं अगर इसके यूजेस की बात करें तो साइक्रीन इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। जो हमारा साइक्रीन होता है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जिसको हम लोग एज अ स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। यूज एज अ नॉन कैलोरिक स्वीटनर, इससे हमें कोई भी कैलोरिक वैल्यू नहीं मिलती अगर इसको हम लोग यूज करते हैं अपने फूड में। 300 to 400 times स्वीटर देन सुक्रोज। जो हमारा साइक्रीन होता है वो सुक्रोज के कंपेरिजन में 300 to 400 times ज़्यादा स्वीट होता है। यूज टू स्वीटन प्रोडक्ट्स सच एज ड्रिंक्स, कुकीज, कैंडीज। जो हमारा साइक्रीन होता है इसका यूज हम लोग एज ए स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं ड्रिंक्स में, कुकीज में और कैंडीज में। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, वॉट आर फिनॉल्स गिव्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट। फिनॉल्स क्या होते हैं और हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। सो बेसिकली फिनॉल्स आर कंपाउंड कंटेनिंग एन OH ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक रिंग। अगर कोई भी हमारा बेंजीन रिंग है अगर उससे डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच है तो हमारा फिनॉल होता है। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, फिनॉल, ओ क्रिसॉल और रेसोसिनॉल, ये हमारे सभी एग्जांपल्स हैं फिनॉल के। वहीं अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, मोस्ट प्योर फिनॉल्स आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड। जो हमारे फिनॉल्स होते हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं। फिनॉल्स हैव ए कैरेक्टरिस्टिक कार्बोलिक ऑर्डर। जो हमारा फिनॉल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो कि कार्बोलिक ऑर्डर होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल्स आर हायर देन एलिफेटिक अल्कोहल्स। जो हमारा फिनॉल्स होते हैं इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हमारे नॉर्मली एलिफेटिक अल्कोहल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। चौथा क्वेश्चन है, गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ रेसोसिनॉल। हमें रेसोसिनॉल का स्ट्रक्चर बताना है, देन उसके यूजेस बताने हैं। तो आप देख सकते हो रेसोसिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, बेंजीन पे फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, देन मेटा पोजीशन पे भी OH ग्रुप लगा है। अगर इसके यूजेस की बात करें, यूज टू ट्रीट SN, डर्माइटिसिस एंड अदर स्किन डिसऑर्डर। इसको हम लोग यूज करते हैं SN को ट्रीट करने के लिए और अदर स्किन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। यूज टू ट्रीट कॉन्स वॉट्स, इन सब का भी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग रेसोसिनॉल का यूज करते हैं। यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेड इन टॉपिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसको हम लोग एज अ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज करते हैं। अब बात करें पांचवें क्वेश्चन की, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। फैट और ऑयल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो अगर हम लोग फैट्स की बात करते हैं, सोर्स जो हमारा फैट का होता है मेनली एनिमल्स होता है, और ऑयल की बात करें तो हमें मेनली प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। फैटी एसिड, अगर हम लोग फैट को बात करें तो ये जनरली सैचुरेटेड होते हैं, और ऑयल जो हमारा होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। बॉन्डिंग की बात करें तो फैट्स में नो डबल बॉन्ड, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। वहीं ऑयल्स हैव ए डबल बॉन्ड, ऑयल्स में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो हमारा फैट होता है वो जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वहीं हमारा जो ऑयल होता है, नाम से ही आप जानते हो, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर इसकी हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जो हमारा फैट होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इस कंपेरिजन टू ऑयल, और ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है।
सिक्स क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन आयोडीन नंबर, या फिर आपको इस आयोडीन वैल्यू करके भी क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है कि डिफाइन आयोडीन वैल्यू या आयोडीन नंबर। तो बेसिकली जो आयोडीन नंबर होता है, आयोडीन नंबर इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन डैट रिएक्ट विथ 100 ग्राम्स ऑफ फैट। तो हमारा आयोडीन नंबर होता है वो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन्स होते हैं जो कि 100 ग्राम ऑफ फैट्स या ऑयल से रिएक्ट करते हैं, वही हमारा आयोडीन नंबर या आयोडीन वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एसिटाइल वैल्यू, गिव इट सिग्निफिकेंस। एसिटाइल वैल्यू क्या होती है और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं उसके बारे में हमें बताना है। इट इज डिफाइन एज द अमाउंट इन मिली लीटर्स ऑफ केओस सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड ऑब्टेन बाई सपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल आफ्टर एसिटाइलेशन। जो हमारा एसिटाइल वैल्यू होता है, एसिटाइल वैल्यू वो होता है अमाउंट ऑफ KOH इन मिली लीटर्स जो हमें रिक्वायर होता है न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक एसिड को, जो कि हमें ऑब्टेन होती है बाई सपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स, 1 ग्राम ऑफ फैट्स और ऑयल आफ्टर एसिटाइलेशन। बेसिकली हम लोग अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस वैल्यू का हम लोग यूज करते हैं फैट्स और ऑयल के प्योरिटी को चेक करने के लिए कि हमारा फैट और ऑयल कितना अच्छा है। उसके बाद बात करें व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्राई फिनाइल मिथेन। ट्राई फिनाइल मिथेन के क्या क्या यूजेस हैं, तो यूज इन कॉपिंग पेपर्स, इसका हम लोग यूज करते हैं कॉपिंग पेपर्स में। यूज इन प्रिंटिंग इंक्स, जो हमारा इंक यूज किया जाता है प्रिंटिंग पेपर्स में उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। यूज इन टेक्सटाइल एप्लीकेशन, हम लोग इसका यूज टेक्सटाइल एप्लीकेशन में भी करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, गिव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेपथलीन। हमें इस क्वेश्चन में बताना है नेपथलीन की फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो नेपथलीन इज स्लोली सब्लिमेट, जो हमारा नेपथलीन होता है वो सब्लिमेशन शो करता है कि अगर हम लोग इसको धूप में रख दें तो ये डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है विदाउट पासिंग टू लिक्विड फेज। तो ये नेपथिलीन की प्रॉपर्टी हो गई। इट इज वॉलेटाइल मैटर, ये वॉलेटाइल नेचर का होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका जो कलर होता है वो कुछ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होता है, आप अपने घरों में इसको यूज करते होंगे। वहीं अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये नेपथिलीन रिडक्शन शो करता है, ऑक्सीडेशन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जैसे कि आप नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 2-2 मार्क्स में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा। सो डिफाइन साइक्लो अल्केन, हमें बताना है कि साइक्लो अल्केन्स क्या होते हैं। तो बेसिकली साइक्लो अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुज कार्बन चेन फॉर्म कंप्लीट लूप्स। हमें साइक्लो अल्केन्स होते वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते और ये कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। आप बोल सकते हो ग्रुप क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन का। सो ये था 2-2 मार्क्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फार्मास्यूटिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि 2018-19 में पूछे गए थे। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हर साल, और अगर आप बोलोगे तो मैं इसके सेक्शन बी का भी जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर इस वीडियो पे मुझे 20 लाइक्स मिलते हैं तो मैं इसका PDF लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को 1 लाइक तो ज़रूर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ।